Hello children, welcome back in your maths class and today we are continuing class 3 maths chapter number 12 can we share. Practice time में हमारा आज का first question है, share 12 balloons among 3 boys. बच्चों आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 12 balloons है और 3 boys हैं. How many balloons for each boy? तो क्या आप बता सकते हैं हर एक बच्चे को कितने बलून्स मिलेंगे? You have to divide the number of balloons by the number of boys. Means आपको किससे किसको डिवाइड करना होगा? आपको 12 को डिवाइड करना होगा 3 से. 12 divided by 3 means हर एक बच्चे को कितने बलून्स मिलेंगे? 4. चलिए हम यहाँ डिवाइड भी करके देख लेते हैं. 12 divided by 3 and we will recite the table of 3. 3 times 4 is 12 and the answer is 4, means every boy will get 4 balloons. The next question is, there are 21 candles. आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर 21 कैंडल्स हैं. Put them equally in 3 boxes. आपको इन 21 कैंडल्स को इन 3 boxes में equal put करना है, means रखना है. How many candles are there in each box? तो बताइए हर एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स आएंगी? अब आप क्या करेंगे? You will divide the number of candles by number of boxes, means 21 divided by 3. We will recite the table of 3 and get the answer. 3 times 7 is 21 and there is no remainder, means एक भी candle नहीं बचेगी. 7 candles आपकी हर एक box में आ जाएंगी. Now the next question is, there are 18 socks. देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने colorful socks हैं और ये total 18 हैं. How many girls can wear these socks? तो बताइए कितनी girls इन socks को पहन सकती हैं? तो बच्चों आप जानते हैं कि socks हम हमेशा pair में पहनते हैं, means जोड़े में. एक गर्ल कितने सॉक्स पहनेगी? 2 सॉक्स, मींस हमें इन नंबर ऑफ सॉक्स को किससे डिवाइड करना होगा? 2 से. तो चलिए डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि कितनी गर्ल्स इन सॉक्स को पहनेंगी. वी विल डू 18 डिवाइड बाय 2 एंड द आंसर इज 9. 7 शर्ट्स पर हम 2 के टेबल तब तक रिसाइट करेंगे जब तक कि हमें 18 ना मिल जाए और हमें मिल जाता है 2 टाइम्स 9 विच इज 18. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज हैज 36 मिनट टू मेक रोटीज. राज के पास रोटी बनाने के लिए 36 मिनट हैं. 1 रोटी मेक टेक्स 3 मिनट्स. एक रोटी को बनाने में उसे 3 मिनट लगते हैं. हाउ मेनी रोटीज कैन बी मेक इन दिस टाइम? तो बताइए 36 मिनट्स में राज कितनी रोटियां बना पाएगा? क्या आप गेस कर सकते हैं? यस, राज कैन मेक 36 डिवाइडेड बाय 3 मींस 12 रोटीज. सो द आंसर इज 12, means 3 की टेबल अब हम रिसाइट करेंगे तब तक जब तक कि हमें 36 ना मिल जाए. तो बच्चों 3 की टेबल को हम 12 टाइम्स रिसाइट करेंगे और हमें मिल जाएगा 36. The next question is, these are 24 foot marks of goats. यहाँ पर आपको foot marks means पैरों के निशान नजर आ रहे हैं और ये 24 हैं टोटल. और ये किसके पैरों के निशान हैं? गोट्स के. सो हाउ मेनी गोट्स वर देयर? तो बताइए वहां कितनी गोट्स हैं? तो बच्चों आप जानते हैं कि
एक गोट के होते हैं 4 लेग। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ कितनी गोट हैं, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डिवाइड 24 बाय 4 बिकॉज देयर आर 4 लेग ईच गोट हैव। वी विल डू 24 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर इज 6। मीन्स 4 की टेबल में हमें 6 टाइम मिल जाता है 24। सो हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? देयर आर 6 गॉड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जंपी एनिमल्स। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ डिफरेंट एनिमल्स हैं और ये कर रहे हैं जंप। अब देखिए इनकी जंप है डिफरेंट, मीन्स हर एक एनिमल डिफरेंट जंप करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अ फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम। जो फ्रॉग है वो एक बार में 2 स्टेप्स जंप करता है। वही स्क्विरल मीन्स गिलहरी एक बार में 3 स्टेप जंप कर लेती है। अब रैबिट जो कि उससे थोड़ा बड़ा है वो एक बार में 5 स्टेप्स को जंप कर लेता है। वही हॉर्स, हॉर्स कितना बड़ा होता है बच्चों, तो वो एक ही बार में कितने स्टेप जंप करता है? 15 स्टेप्स। अब बारी आती है कंगारू की, और बच्चों आपको पता है कंगारू बहुत फास्ट और बहुत लंबी जंप करता है, तो कंगारू जो है वो एक बार में 30 स्टेप्स जंप कर लेता है। सो हमसे यहाँ पूछा गया है इन हाउ मैनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। फ्रॉग कितनी जंप्स में 30 पर पहुंच जाएगा? तो बच्चों देखिए फ्रॉग एक बार में 2 स्टेप्स को जंप करता है, तो कितनी जंप में 30 पर पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 जंप्स में। मींस फ्रॉग टोटल 15 जंप्स में 30 पर पहुंच जाएगा। इसी के साथ हमसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्विरल रीच 27। स्क्विरल 27 पर कितने जंप्स में पहुंच जाएगी? तो बच्चों स्क्विरल यहाँ पर एट ए टाइम 3 स्टेप्स जंप कर रही है, तो स्क्विरल कितने जंप लेगी कि वो 27 पर पहुंच जाए? 27 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 3 की टेबल में 27 हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स? इट कम्स 9 टाइम्स। सो स्क्विरल विल टेक 9 जंप्स टू रीच 27। आप इस पिक्चर को देख करके देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट जंप्स बताई गई है, जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दिया है फ्रॉग का। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स? कंगारू बताइए 2 जंप्स में किस नंबर पर पहुंच जाएगा? तो बच्चों देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंगारू एक जंप में 30 स्टेप्स कर रहा है, तो 2 जंप्स में वो किस नंबर पर पहुंच जाएगा? 30 टाइम्स 2 मीन्स 60 नंबर पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15? कौन कौन है जो कि नंबर 15 पर मिलेंगे? तो बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से वे सभी एनिमल्स 15 नंबर से गुजरेंगे, पास होंगे, जो कि 3, 5 और 15 स्टेप्स एट अ टाइम जंप कर रहे हैं। मीन्स वे सभी नंबर जो कि जिनकी टेबल में 15 आता है, 3 की टेबल में 15 होता है बच्चों, 5 की टेबल में होता है, 15 की टेबल में भी 15 होता है, तो ये सभी एनिमल्स 15 नंबर से पास होंगे। जबकि फ्रॉग जो कि एट अ टाइम 2 स्टेप्स ही जंप कर रहा है, वो 15 नंबर पर नहीं आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हैं कि वो
15 जो भी स्टेप है उसको जंप करके डायरेक्ट 16 पर पहुंच रहा है। मींस यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी विल राइट हियर द नेम ऑफ 3 एनिमल्स। और वो एनिमल्स क्या है बच्चों, ये हैं स्क्विरल, रैबिट एंड हॉर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? क्या रैबिट कभी नंबर 18 पर पहुंचेगा? तो बच्चों देखिए, रैबिट एट ए टाइम 5 स्टेप्स जंप कर रहा है, और 5 की टेबल को जब हम रिसाइट करेंगे तो देखिए, सेकंड स्टेप में 5 टाइम्स 2 मीन सेकंड स्टेप में वो पहुंच जाएगा 10 पर, थर्ड स्टेप में पहुंचेगा 15 पर, फोर्थ में 5 टाइम्स 4 मीन 20 स्टेप पर। मीन्स रैबिट तो 18 पर नंबर पर आएगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? बताइए रैबिट के कितने जंप्स हॉर्स के एक जंप के बराबर होंगे? तो देखिए, हॉर्स कर रहा है 15 जंप्स एट 15 स्टेप्स एट अ टाइम एक जंप में, जबकि रैबिट सिर्फ 5 स्टेप्स ही जंप कर रहा है। तो 5 की टेबल में बच्चों 15 हाउ मेनी टाइम्स विल कम? इट कम्स 3 टाइम्स। मींस रैबिट को 3 स्टेप्स या यूं कहिए 3 जंप्स करने होंगे टू रीच स्टेप 15। तो हम यहां लिखेंगे 15 पर पहुंचने के लिए, मींस टू रीच 15 रैबिट हैज टू जंप 3 स्टेप्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल 2 जंप्स ऑफ द कंगारू? हॉर्स के कितने जंप्स कंगारू के 2 जंप्स के इक्वल होंगे? तो देखिए बच्चों, कंगारू एक जंप में 30 स्टेप्स कवर करता है, जबकि हॉर्स तो केवल 15 स्टेप्स को ही कवर कर रहा है। अब जब कंगारू 2 जंप्स करेगा, मीन्स वो कितने जंप कर लेगा? 2 जंप्स तो कितने स्टेप कवर करेगा? 2 टाइम्स 30 मीन्स 60 स्टेप्स को कवर कर लेगा। अब 60 स्टेप्स को कवर करने के लिए हॉर्स को कितना चलना होगा, उसे कितने जंप करने होंगे? उसे करने होंगे 60 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि हॉर्स केवल एक जंप में 15 स्टेप्स ही कवर कर रहा है। मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हॉर्स को कितने जंप करने होंगे, 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट? वह छोटा से छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर आप बताइए जहां की फ्रॉग और स्क्विरल दोनों पहुंचेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्रॉग कर रहा है एट अ टाइम 2 जंप और स्क्विरल कर रही है एट अ टाइम 3 जंप। मीन ऐसा नंबर जो 2 और 3 की टेबल में आता हो। तो देखिए, 2 और 3 की टेबल में एक नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वो है 6। 2 टाइम्स आप लिखेंगे यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 6। मीन्स फ्रॉग जब 3 टाइम्स जंप करेगा तो वो पहुंच जाएगा 6 पर। इसी तरह से स्क्विरल जो कि 3 स्टेप्स करती है एक जंप में, वो 2 जंप करेगी तो वो पहुंच जाएगी 6 पर। मीन्स 6 एक ऐसा नंबर है जहां की फ्रॉग और स्क्विरल दोनों ही मीट करेंगे।
आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छी तरह पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।